हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय, किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज छठ पूजा है, तो उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी रेसिपी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं सुनीता अग्रवाल लखनऊ से हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ झिंगी पार्सल। तो ये डोमिनोज वगैरह में मिलता है, आप लोग बाहर जाके खाते ही होंगे, ऑर्डर करते होंगे, लेकिन उसको मैंने आज घर में बनाया है और हेल्दी वर्जन में। तो आप देखिए ये कैसे झिंगी पार्सल हम बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट हम सारे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने अमूल का ये पनीर लिया है, ये अमूल का पनीर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने पनीर लिया है, इसको हम सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है इस समय, वर्ल्ड कप फाइनल है, तो सभी लोग बिजी होंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए। हमारे यहाँ भी सब लोग देख रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये करें कि इंडिया जीत जाए, प्रेयर करें कि इंडिया जीत जाए। मैं बनाने जा रही हूँ झिंगी पार्सल। तो ये पनीर को मैंने कट कर लिया है और इधर मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी ये अमूल का बटर। ये अमूल का बटर हमने डाला है। बटर डालने के बाद बटर मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का लेंगे, वो हम डालेंगे। ये देखिए, बटर मेल्ट हो गया है और फिर इसके बाद हम इसमें जिंजर को डाल देंगे और फिर इधर हमने एक हरी मिर्च भी काटी थी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और इधर दो साइज के हमने ये टमाटर लिए थे, टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। और टमाटर गया है तो फिर अब इसके बाद नमक जाएगा इसमें। नमक डालेंगे कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को दिख रहा है। Thank you.
नमक डालने के बाद फिर इसमें जाएगा ये ऑरिगेनो। चिली फ्लेक्स कमेंट नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। प्लीज आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को दिख रहा है, मुझे शो नहीं हो रहा है। और अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। और ये टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसमें और चीजें ऐड करेंगे। गलत तो नहीं जा रहे। तो ये देखिए टमाटर हमारे ये सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको जब तक दिखा रही हूँ टमाटर, जब तक हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमने ये उस जिंगी पार्सल का आटा लगाकर पहले से रखा है, क्योंकि आटा जो है सेट होने में टाइम लगता है, तो हमने ये पहले से आटा लगाकर रखा है। आटा लगाने के लिए आप ये करें कि चाहे तो आप पूरा मैदे से बनाएं, चाहे तो आप गेहूं के आटे से बनाएं, और चाहे तो आप दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कप जो है चावल गेहूं का आटा लिया था, सॉरी एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा लिया था, और उसमें हमने एक चम्मच चीनी डाली थी और एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाला, और दही के साथ हमने गूंद कर इसको रखा है। थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए टाइम देना पड़ता है, इसीलिए ये आटा हमने पहले से ये बनाकर रखा है। तो ये देखिए सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार करना है। ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छा ये बनकर, ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सेट होके ये तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप ये आटा लगाकर रख लें। और फिर इसके बाद हमने ये जो पनीर हमने काट के रखी थी, अमूल का जो पनीर है, ये हम इसी में ऐड करेंगे। प्लीज आप लोग कमेंट करिए। और फिर यहाँ पे हम टमाटो केचप डालेंगे। और फिर इसको हम मिला देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, ताकि इसमें जो है वैसे तो रेड कलर है ही है, थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे कलर के लिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। और अब हम आपको
बता देते हैं, इसको बेक करने के लिए आप अवन में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप गैस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को हम पहले से प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट 10 मिनट के लिए इसको गैस पे मीडियम फ्लेम पे चढ़ा देंगे, वो प्रीहीट होएगा और एक कटोरी बीच में लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें इधर किनारे किनारे नमक भी डाल के एक स्टैंड या कोई बाउल वगैरह रख सकते हैं। उसके ऊपर हम ये प्लेट लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। हेलो मनीषा जी, कैसे हो आप? और इसको जो है हम अवन में भी बना सकते हैं। अवन में बेक करने के लिए 180 कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे हम इसे 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब आपका जो मन करे, चाहे तो आप गैस में बनाए, चाहे तो आप अवन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिलिंग हमारी बहुत बढ़िया सी ये बनकर तैयार हो रही है। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है प्लीज कमेंट करिए, मुझे दिख नहीं रहा है। कमेंट करेंगे हमसे और आपसे जो इंटरेक्शन होगा आपस में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। मनीषा जी, मैं बना रही हूँ जिंगी पार्सल। और ये देखिए, ये हमने आटा लिया है और इसके दो टुकड़े कर लेंगे। और यहाँ पे आप ये मक्के का आटा लें। मक्के का आटा जो होता है उसे हमारे जो पार्सल में है कलर बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा इसको इसमें कोट करके फिर इसको आप रोटी की तरह बेल लें बड़े आकार में। तो ये देखिए, स्टफिंग भी हमारी बनकर ये तैयार हो गई। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इधर ये देखिए रोटी के जैसा भी हमने ये बनाकर रखा है। और अब हम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। इधर फोकस। ये देखिए, आपने रोटी के जैसा ये बना लिया और थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको। और ये देखिए एक, ये देखिए इस तरह से एक फोल्ड इधर करें और एक फोल्ड ऐसे करें, ये देखिए। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी इस तरह से कवर कर दें। तो ये देखिए सभी तरफ से ये ऐसे हो गया। थोड़ा सा हम आटा छिड़क कर हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे नीचे। और इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। और ये चीज स्लाइस है,
ये इस तरह से आप लगा दें। अमूल की ये चीज है, अमूल की चीज बहुत अच्छी होती है, तो आप जरूर लगाएं। और किनारे किनारे इसमें पानी लगा दें, पानी से जो है ये चिपक जाएगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह, और देखिए एक कोने को ऐसे उठाएं और इसके इधर उठाएं, इसके ऊपर भी हम पानी लगा देंगे, इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे, नहीं तो ये खुल जाएगा। और ये देखिए, और इसको प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए शेप हमारी ये पार्सल के जैसी आ गई। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। और अब हम एक प्लेट या बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें ये बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इसे रखें और ये बटर पेपर लगाएंगे, और इसके ऊपर ये हम इन पार्सल को रख देंगे। इस पार्सल को रखने के बाद आप ये दूध लें, दूध में जो है थोड़ी सी शुगर मिला लें। शुगर मिलाने से ये होगा कि पार्सल में जो कलर होता है वो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आता है, तो आप इस तरह से ऊपर से स्प्रेड कर दें। ये देखिए ऐसे आप लगा सकते हैं। एक और बनाकर हम दिखाते हैं आपको। प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सबको बहुत बहुत थैंक यू। आज सभी लोग मैच देख रहे होंगे जिनको इंटरेस्ट है, और छठ पूजा भी है। ये देखिए एक एक इस तरह से फोल्ड किया और दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड किया, और फिर ये हेलो कंचन जी, और ये स्टफिंग बीच में रख देते हैं। चीज भी लगा देंगे, आप चाहे तो चीज मोजरेला चीज भी ग्रेट करके लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर किनारे के साइड हम पानी लगा लेते हैं। पानी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे खुल जाएंगे। और ये इसके ऊपर चिपका देते हैं, ये और ये देखिए, और इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने बनाकर रखा है, ऐसे आप रख सकते हैं। आप इसे ओवन में जो है 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए आप जो है इसको बेक करने के लिए छोड़ दें। ये देखिए, देखिए इतना टाइम हमारे पास लाइट के लिए नहीं होता है, तो हमने बनाकर पहले से रखा है, तो मैं आपको शो कराती हूँ। और आप चाहे तो ये इधर गैस में भी बना सकते हैं। ये देखिए गैस में भी हमने बनाकर ये देखिए रखा है, तो ये देखिए इस तरह से ये बेक होके तैयार हो गया है। थोड़ा सा ये गर्म है और मैं इसको निकालती हूँ। Thank you.
ये देखिए ये गैस में बनके तैयार हुआ है और अब आप जो है इसमें बटर को ऊपर से लगा दें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ये गर्म होता है तो आप इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रख दें ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। हेलो मधुलिका, तो लाइव है इसलिए मैंने दिखा 10 मिनट के लिए वेट नहीं कर पाऊंगी तो ये मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए मेरा जिंगी पार्सल कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। आप लोग मार्केट जाते हैं बाहर में ऑर्डर करते हैं खाते हैं तो आप इस तरह से घर में बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है और जो लोग हमारे यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं अब मैं उनको देने जा रही हूँ, वो लोग एंजॉय करेंगे, क्रिकेट भी देखेंगे और इसका लुत्फ भी उठाएंगे। हेलो मुकुल जी, थैंक यू मधुलिका जी, थैंक यू मनीषा जी। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर इसे ट्राई करिएगा। और अमूल के जो प्रोडक्ट हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और तो चलिए आप लोग क्रिकेट देखिए और प्रेयर करिए कि हमारी इंडिया टीम जीते। तो चलिए मैं अपना लाइव एंड कर रही हूँ और सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।